नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति पर लंबे समय से चली आ रही खींचतान अब एक नया मोड़ ले चुकी है। योगी सरकार ने कैबिनेट में एक जोरदार फैसला लिया है जिससे न सिर्फ यूपी बल्कि दिल्ली तक हलचल मच गई है। इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि योगी और मोदी के बीच अनबन की हवा अब और तेज हो जाएगी। दरअसल योगी सरकार ने अब यूपी के डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक नए चयन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। पहले राज्य सरकार केंद्र सरकार को पैनल भेजती थी, लेकिन अब योगी सरकार खुद ही डीजीपी का चुनाव करेगी। इतना ही नहीं, डीजीपी का कार्यकाल भी अब 2 साल के लिए तय कर दिया गया है। अब एक पैनल जिसमें रिटायर्ड जज, मुख्य सचिव और पूर्व डीजीपी जैसे लोग होंगे वो नाम तय करेंगे। यानी पूरी पावर राज्य सरकार यानी योगी सरकार के हाथ में आ गई है। जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी तंज कसा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल ये कि क्या व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं? कहेंगे दिल्ली के हाथों से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं, दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। दरअसल सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपी कैबिनेट और योगी को केंद्र सरकार से क्या दिक्कत है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला सीधे तौर पर केंद्र सरकार की भूमिका को कमजोर करता है। अगर हर राज्य खुद डीजीपी तय करने लगेगा तो केंद्र का कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। ये योगी सरकार की ओर से दिल्ली को एक सख्त संदेश है कि हम अपने फैसले खुद लेंगे। कुल मिलाकर साफ है कि योगी सरकार का ये कदम प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल ला सकता है। ये ना सिर्फ पुलिस महकमे को प्रभावित करेगा बल्कि यूपी की राजनीतिक फिजा भी बदलने की दिशा में एक बड़ा इशारा है। इतना ही नहीं, योगी सरकार का डीजीपी नियुक्ति पर लिया गया फैसला योगी और मोदी सरकार यानी दोनों के बीच में दरार को और गहरा कर सकता है। सीएम योगी की पीएम मोदी के प्रति बगावत को भी कहा जा रहा है, यानी कि यह फैसला एक तरीके से योगी का पीएम मोदी के प्रति बगावत को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में तो ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।